आज का हमारे टॉपिक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के दो पॉइंट होते हैं, पहला होता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन पॉइंट होते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक रिप्रेजेंटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के भी दो पॉइंट होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि रियल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की आपको मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी। जो हमारा कैश होता है वो हमारा रियल अकाउंट में आता है, जो बैंक होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरीज होती है वो हमारी पर्सनल अकाउंट में आती है, जो सेल्स होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, जो एक्योर्ड इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो रियल अकाउंट में आती है, जो ड्राइंग होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, जो बैड डेबिट रिटर्न ऑफ होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, बैड डेबिट्स रिकवर्ड नॉमिनल अकाउंट में आता है, प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट में आता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट पे नॉमिनल अकाउंट में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट में आता है और प्रीपेड रेंट भी पर्सनल अकाउंट में आता है। कैरेज इन वर्ड्स नॉमिनल अकाउंट में आता है और गुडविल रियल अकाउंट में आता है।